मेरी हंसी रुक नहीं रही है, पता नहीं किस खुशी में। मतलब खुशी की बात तो है भाई, जितने भी लोग आ रहे हैं सबको हेलो, सबको एकदम मेरा आदरणीय दिल से हेलो। जरा भाई भेज लें। सबसे पहले शुभ्रांशु भैया आए। चलिए भाई, आज बहुत अच्छा अवसर है मेरे लिए ये लाइव। ऐसा मेरा दिल धक धक हो रहा है कि क्या बताएं, मेरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा। भाई तुम लोग एक्साइटेड हो, कमेंट तो कर दो बदतमीजों। अरे आ तो रहे हैं कमेंट। हाँ मैं ही नहीं देख रहा था, मैं ही बदतमीज हूँ अकेले। बहुत खुशी है आपको देखकर, थैंक यू भाई। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, प्लीज। अबे यार मेरा मेरा दिल ऐसा लग रहा है मेरे पेट में चला गया, पेट में धड़क रहा। ये तो गैस बनी हुई है और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा डर लग रहा है, लग रहा पता नहीं क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच काजल भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं। मुझे ऐसे सांस क्यों नहीं आ रही है, स्क्रीनशॉट ले कोई जल्दी से, किसके हो गए। थैंक यू सक्षम भैया, थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच। कूल जल्दी से ज्वाइन हो जाए, मुझे से चक्कर आ रहे हैं। मैंने सबकी कॉलें उठानी बंद कर दी थी इसके 1 घंटे पहले से, मैंने सबकी कॉलें उठानी, मैंने कहा बस खत्म, अब जो होने वाला है उस पे ध्यान दिया जाए। सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है। अरे सब बढ़िया सर, ऐसे रोना आ रहा है मुझे। अनेबल टू ज्वाइन बता रहा है यार। अब भाई ये नहीं झेल पाएंगे हम। इंस्टाग्राम प्लीज डोंट प्ले विद मी राइट नाउ, इंस्टाग्राम प्लीज। ऐसा होने नहीं देंगे, अनेबल टू ज्वाइन होने नहीं देंगे हम। अरे वही हमको लगे, इंस्टाग्राम गेम खेलने लगा तुरंत। मितिका ये क्या कर दिया है आपने, क्या कर दिया है, मतलब मैं क्या बोलूं आपको यार। डूड यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट क्रिएटर वी हैव राइट नाउ इन द कंट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लेजर इज एब्सोल्युटली माइन टू डू एन इंस्टा लाइव विद द साउंड ब्लेज मितिका द्विवेदी। यार क्या चीज हो यार आप यार। और पहले बताओ यार आप, यू नो पहले तो मैं बताऊंगा, आई डोंट हैव अ यू नो रियल सिस्टर, सो इफ आई वुड हैव हैड अ किड सिस्टर एट होम, मतलब मैं इतनी दुआएं देता हूँ ना आपको और आसपास, इतना लोगों को सबको बोलता हूँ पकड़ यार ये, और उनके फिर वापस आता है, वो थैंक्स बोलते हैं कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपके कॉन्टेंट को उनको, और वो उसके बाद हर बार बोलते हैं कि यार अपार जब भी मूड ऑफ होता है ना यही देखते हैं, ये आपकी छवि है मार्केट में। अरे एकदम, हमको पता नहीं था कि इतनी अच्छी छवि है, हमको तो लगा था ऐसी लफंडर वाली छवि होगी, अरे करती रहती है बोलती रहती है। कितने साल के यार आप मिथिका, पहले ये बताओ। 16 इयर्स। 16 इयर्स, पता है ना आपको 16 इयर्स के जब हम थे या जितने बाकी लोग हैं 16 इयर्स के, वो मक्खियां भी नहीं उड़ा पा रहे हैं, पता है आपको, मक्खियां भी नहीं उड़ा पा रहे हैं, इतना मतलब मुश्किल है। लेकिन आपने 16 इयर्स में जो कर दिया है ना डूड, इट इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, एंड गॉड ब्लेस यू यार। ये अब ये बताओ मुझे कि कहां से चीजें पकड़ी हुई हैं आपने, जैसे एक आपका वीडियो था ना जिसमें वो लड़की इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती है, तुम्हारे अंदर का शशि थरूर ना, मतलब ऐसे ये कहां से पकड़ रही हो तुम चीजें। ये बहुत नॉर्मल डेली लाइफ से पकड़ते हैं हम, कि जैसे आप रिलेट करें और जो मेरे गली में लड़का टहल रहा है वो भी रिलेट कर ले, इस सेंस को लेके चलते, क्योंकि जितना आप लोग रिलेट करेंगे उतनी आपकी बड़ी ऑडियंस होगी। कितने बढ़िया दिमाग है मेरा, करके दिखाओ ये, बोल के दिखा दो, बोल के दिखा दो ऐसे। क्या बनिया दिमाग,
कुछ भी मैं कह रहा हूँ, जो भी तुम बोलती हो इतना फनी लगता है, मैं सच बता रहा हूँ आपका। आप सच, एक तो आपका फेस इतना ऐसे स्माइल करता हुआ निकलता है हमेशा, है ना, तो इतना पॉजिटिव कंटेंट लगता है हर बार। एंड आपने जो अपनी मम्मी के साथ आजकल बैंटर शुरू किया है कि मम्मी शादी करा दो मेरी ऐसे क्या चुल मची है तुम्हें शादी की, बताओ वो मुझे। नहीं, वो ऐसे इरिटेट करने मजा आती है, अब होती है नहीं इरिटेट, तो क्या करें, अब आदत है उंगली करने की, तो कहें कर शादी करवा दो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, खाना नहीं देती घर पे। स्टोरी देखी होगी आपने, मैंने देखी है कि कोई घर पे आए अगर तुम्हारे, तो तुम्हें लगता है कि तुमने बोला कि ये इसको मिदिका को तो नहीं, नहीं इसको मिलता है, इसको मिलता है, ऐसा मिलता होता है बचपन से हर एक के साथ ही हो रहा है। जितने लोग इस समय इंस्टाग्राम लाइव पे हमारे साथ अबाउट 30-31 के, ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस इंस्टा लाइव वुड रिलेट टू दिस, कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो घर पे आते थे कोई ना कोई मेहमान, तो ये हमेशा होता था कि नहीं नहीं इसको मिलता रहता है। और सही कह रही हो, वो जो बिस्किट्स, वो कुकीज, वो नमकीन जब निकलते थे ना, आगे पीछे नहीं निकलते थे वो घर पे उस समय वो आटे के बीच में से निकलते थे। आटे के बीच में से। नहीं, वो अरे छुपाए भी बहुत ऐसी गुप्त गुप्त जगह छुपाए जाते थे कि मिले ना बच्चों को, और अगर मिल गए होते तो रिश्तेदारों को नहीं मिलते, दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ तब यू ना एंड, मिल पाते। तब नहीं मिल पाते, बिल्कुल नहीं मिल पाते। तो आपकी फेवरेट चीज क्या है खाने में, कौन से आटे के बिस्किट पसंद है, क्या पसंद है आपको, मैं जाने आपको और जानने की कोशिश है आज मेरी और आपके आपके फैंस की, विच इंक्लूड्स मी एज वेल। हमको कुछ भी ये है कि कोई ऐसी चीज जो मोटा कर दे हमको, वो सब हमको अच्छी लगती है, सही बताएं तो। फैट वाले सारे गाने, ये फैक्ट है, मोटा करने वाली चीजें सबको अच्छी लगती हैं। बात तो सही है। मेरे ना दोस्त घर पे आए हुए हैं गुंजन नागपाल, वो बाहर बालकनी में बैठ के लाइव देख रहे हैं, ठीक है, तो वो ना आए बिल्कुल फुल तंदुरुस्त होकर आए, और एंड यू नो बहुत फिट लग रहे थे, और मिला काम टाइम बाद, मैं रेडियो स्टेशन में काम करता था दिल्ली में, तो मेरे से अभी उनके घर पे आया हूँ तो मुलाकात हो रही, तो मैंने कहा यार बड़े फिट लग रहे हो, तो कहते यार मुझे ना पिछले 6-8 महीने में ना 2 बार कोविड हो गया, तो मैं पतला हो गया उससे, तो वो इस बात से बड़े खुश थे कि कोविड हो गया, इसी बहाने फिट हो गए हैं। तो कई लोगों को फिट जबकि हो ये डेंजरस है। मोटे होने के पैंथरे चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो यार आपका पहले बैकग्राउंड कितना अच्छा है, अरे बैकग्राउंड काफी अच्छा मैच कर रहा है, हमने तो लाल पर्दे लगवा रखे हैं अपने पीछे। अच्छा, मुझे लगा एक्टिंग बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, स्त्री और दंगल की कि गलत बोल दिया। इतना अच्छा है। अच्छा सही है, लेकिन यार एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि एक 16 इयर्स की लड़की जो ऐसा खतरनाक इतना ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट बना रही है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट योर कंटेंट इज कि एक 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े इंसान तक, 70 के, हर एक इंसान उसको देखकर हंसता है, उसको फॉरवर्ड करता है, उसको ये जी बीच में से राहुल शर्मा ने अमेजिंग लिखा है, हम एक दूसरे को रोज भेजते हैं आपका कॉन्टेंट, ये उपनीत भाटिया ने लिखा है, ये बहुत अच्छी क्रिएटिव डायरेक्टर है, इनको एक के हम सब ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को कंटेंट भेजते रहते हैं नीचे से मेरा नमस्ते उग रहा है आपके। एक बहुत बहुत अच्छी सिंगर है जारा खान, अभी टीसी से उनका एक बहुत प्यारा सिंगल आने वाला है, उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज किया कि यार पार आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, जब से मैंने आपका ये पोस्ट डाला है कि मैं आपके साथ लाइव करने वाला हूँ, और मुझे एक दो कंटेंट क्रिएटर ने, क्योंकि मैंने लिखा आई एम गोइंग लाइव विद माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, मुझे एक दो कंटेंट क्रिएटर ने आई एम जेलस्ड, आई एम सैड, ये अच्छा नहीं किया आपने, ऐसे भी भेजा है इन अ फन वे, ऐसे भेजा है। इन अ फन वे ऑफ कोर्स, कोई हर कोई आपको दुआएं देता है, जिस तरह के आप टैलेंटेड इंसान हैं, और जिस तरह के आपका आपके बहुत ही एक हैप्पी स्माइली फेस है, सो आई थिंक एवरीबॉडी ब्लेसेस यू एंड यू डिजर्व दोस ब्लेसिंग्स, है ना। ज़ारा खान ने लिखा भी है आई एम वाचिंग, तो मुझे बताओ यार क्या हम बात करना स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा वो पापड़ी वो बोल के दिखाना, एक बार पापड़ी देना, मुझे किसी ने स्पेसिफिकली मैसेज किया था, मैं चाट पापड़ी देना, क्या था वो वो आपने ज्यादा अच्छा कर दिया। कि जो लड़कियां, वही लड़कियां ठेले पे जाके कहती हैं, भैया एक्स्ट्रा गोलगप्पा देना, भैया गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये वाटर वाला ये बहुत बार देखा है। सेम लड़की कैफे में बैठे हुए हैं, खाना खा रही बहुत अच्छे तरीके से, और वही लड़की बाहर निकल के ऐसे ऑटो वाले से लड़ती है कि देख के आश्चर्य हो जाते कि वही लड़की थी जो अंदर बैठी हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो यार। एक और बात तो मुझे मिथिका, घर पे ना एक ऐसा क्रिएटिव इंसान होता है जहां से वो क्रिएटिव जीन आती है, कभी दादा दादी नाना नानी पापा मामा चाचा चाची कोई बड़ा भाई बहन ऐसा कोई होता है जो आपको नॉर्मली आगे वो क्रिएटिव अपब्रिंगिंग देता है, हु इज दैट फनी पर्सन इन योर हाउस हु हैज अ फनी बोन, कौन है वो इंसान। मेरे घर में
कहें तो सब फनी है, ना कहें तो कोई फनी नहीं, अंदर ही अंदर सब फनी है पर बाहर सबको कोई दिखाता नहीं है कि हम फनी। सब बहुत सभ्य बनते हैं मेरे घर में कि अरे हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, और घर आते ही जो रेलम पेल मचाते हैं कि क्या बताएं। तो अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो मेरे चाचू हैं वो उनसे, जैसे उनके साथ हम बचपन से बहुत रहे हैं, तो उन्हीं के उन्हीं से सीखा है हमने ये सब कि ये कैसे बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना उन्हीं से सीखा है। बहुत बढ़िया। एक और बात बोलूं मैं आपको, किसी ने लिखा है लव फ्रॉम पाकिस्तान, जो बाकी चीजें जोड़ नहीं पा रही हैं दो देशों को, वो आपके कंटेंट ने जोड़ा है। जैन नदीम ने लिखा है लव फ्रॉम पाकिस्तान। यू नो दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट, दिस इज द पावर ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर हार्डवर्क। आपके जितने भी लोग और भी है टीम में लोग, उनको भी उनकी भी बात कर सकते हैं हम, बिल्कुल। यू नो वी शुड नो यू इनसाइड आउट, द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग इज। हम अकेले ही बनाते हैं लिखते हैं, कोई है नहीं साथ में। बाकी एक संस्कार भैया है जो कि मेरे मैनेजर है, जो कि उनको रिमाइंड करते हैं कि अब बेटा 7 दिन हो गए, अब वीडियो डाल दो बेटा प्लीज। तो बस उनके संस्कार नहीं बोल दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भाई, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो आप रिमाइंड करा देते हैं ना कि वीडियो डाल दें, उसमें ना मतलब जो बाकी लोग इंस्टाग्राम पे, उनकी लॉटरी हो जाती है, उनकी चांदी हो जाती है। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि संस्कार भैया, ये आप बार बार हैमर करते रहिए पॉइंट कि वीडियो डाल लें, सो दैट वी गेट टू वॉच ऑल दोस कंटेंट, ऑल दैट कंटेंट। यार आप देखो, पता है कितनी अजीब बात है जो मैं कह रहा था आपको कि यू नो आपका कंटेंट कोई पाकिस्तान से बोल रहा है, यू नो लव फ्रॉम पाकिस्तान दो देशों को जोड़ रहा है। आई एम सेइंग व्हेनेवर अ पर्सन इज डाउन एंड आउट, यू नो जब भी किसी इंसान का बुरा दिन चल रहा होता है, काम का प्रेशर, यू नो मे बी एनी काइंड ऑफ कोई फिजिकल मेंटल टायर्डनेस है किसी चीज को लेकर, वो आपका कंटेंट आकर देखते हैं और अपना दिल और दिन दोनों हल्का करते हैं, दे फील हैप्पी अबाउट लाइफ। आई थिंक ये जो ब्लेसिंग है ऊपर वाले की आपके पास आई है, दिस इज व्हाट ड्रैग्स मी टू यू नो दिस इंस्टाग्राम लाइव एंड टॉक अबाउट योर लाइफ, योर फैमिली, योर। तो स्कूल में क्या कहते हैं बच्चे यार? स्कूल में कोई मेरे मुंह नहीं लगता, टीचर भी डरते हैं। नहीं डरते इन द सेंस कि टीचर मेरे कहे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर कुछ स्पेसिफिक टीचर जो हल बुला देते हैं एकदम कि अरे तुम क्या ही कर ले जाओगी। जैसे पहले हम सिंगिंग में थे तो मतलब स्कूल को रिप्रेजेंट करना जाना इधर उधर बहाने थे आवारागर्दी करने के, तो जाते थे। तो अब टीचरों को आइठन कि ये तुम एक परफॉर्मेंस है 1 महीने बाद, उसके लिए 1 महीने गायब हो तुम क्लास से। तो अब फिर ऐठन आ गई टीचर के अंदर, हमारे अंदर भी ऐठन आ गई। तो एक बार बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था, पिकनिक थी और टीचर का बैग रखा हुआ था, हमको पता था ये उसी टीचर का बैग है। हम गए, हमने सब्जी खा ली, रोटी छोड़ दी, हमने अब तुम बैठो यहीं। बहुत बढ़िया। टीचर को पता है कि आपने ऐसा किया था? नहीं, आई होप वो उनको शक है पर प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो निकल चुका है। बहुत बढ़िया यार। एक ना मेरे क्या कहते हैं जो जिसमें आपने चाट पापड़ी वगैरह किया था ना, can I have some water, है ना, उसमें बोला था कि आपकी पाचन शक्ति नहीं झेल पाएगी कुछ, आपने कि किसी और वीडियो में था वो? ये दूसरे वीडियो में था, ये था कि जो दोस्त वीडियो। Absolutely. यार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखो इन टुडेज डे एंड एज अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली आपकी एज के जो बच्चे होते हैं, they don't catch hold of the right words. Thankfully, आप एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहाँ पर हिंदी पे काफी ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में भी a lot of people are going towards the cool uber words, जो बिल्कुल मतलब सुनने में सही लगे, and they would want to talk about digestion and all, and they were, वो कुछ अंग्रेजी के सीधे शब्द यूज करना चाहेंगे जहाँ पे उनको पाचन शक्ति बोलेंगे तो उनकी मतलब एक सेकंड के लिए तो टेंशन हो जाएगा कि क्या बोल दिया है ना। So, ये जो वोकैब है आपकी, ये क्या क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं वहीं पे वहीं की अपब्रिंगिंग है कि घर की अपब्रिंगिंग है कि स्कूल में ज्यादा यू नो स्ट्रेस दिया जाता है हिंदी पे और कोई ताकि मतलब आप कहीं पे भी किसी भी मंच पे खड़े हो जाए कोई व्याकरणात्मक गलती नहीं हो, ग्रामेटिकल एरर नहीं हो, तो ऐसे दिया जाता है कि वहां पे सबकी ऐसी ही लैंग्वेज है? बिकॉज आई कम फ्रॉम पंजाब जहां पर हिंदी में चंडीगढ़ वहां पे हिंदी में घर का नाम पारुल था। लेकिन सोचो हर एक घर में एक रिश्तेदार होता है जो ना जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि ओके लेट मी नेम द किड। क्यों आपसे पूछा? किसी ने नहीं पूछा है ना। तो लेकिन उन्होंने नाम रख दिया पारुल,
और आप मानोगे नहीं, अभी रिसेंटली, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ यार, अब तो मैं कहीं किसी एंगल से पारुल नहीं हूँ, तो मैं अपार शक्ति हूँ, मुझे अपार अपारी यही जानते हैं, नानके में सब पारुल बुलाते हैं। मेरे एक कजन की शादी थी, अब मैं इतना मतलब उम्र में बड़ा हो गया हूँ, मैं मतलब शादी हो चुकी है मेरी, सो इतने इतने इन द मिडल ऑफ दैट फंक्शन किसी ने जो उस मामी ने जोर से बोल दिया पारुल बात सुनना, मैं मुड़ा ही नहीं। और एक मतलब आप सोचो, मतलब पारुल अगर जैसे किसी लड़की का ही नाम है, सोचो भाई चंद मेरी शादी किसी पारुल से हो जाती, पारुल वेट्स पारुल भी हो सकता था, तो मतलब बहुत पारुल के बहुत किस्से हैं। एनीवे, अब आप बताओ कि आपका नाम में जो मीथिका में डबल ई आता है, वो न्यूमरोलॉजिकल स्ट्रेस है कि वैसे ही बस मीथिका कर दिया उसको? वो पता नहीं क्या सोच के रखा है इन लोगों ने, समझ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा मिथिका सुन के जैसे बहुत भारी, आपका भी भारी नाम है, मेरा भी भारी नाम है, हाँ, तो फिर भी फिजिक ऐसा हो गया कि लगता है हम मार लेंगे दो तीन लोगों को। मेरा नाम मिथिका द्विवेदी, ऐसा लगता है कि कोई किला फतेह करेंगे फ्यूचर में जाके हम, और निकले पते कर चुकी, आई थिंक ये जरूर है। लेकिन मिथिका ने कोई निकनेम है आपका? कोपू? कोपू। हाँ ये आपकी ऑडियंस को पता था कि नहीं? कुछ लोगों को स्टार्टिंग के 100K को पता होगा, उसके बाद किसी को नहीं पता होगा। भाई साहब जितने भी देख रहे हैं, लड़की का नाम कोपू है। मुंह से मैच करता है। ओ यार, मुंह से मैच करता है। तो आपने सबसे वो क्वेश्चन आपने पूछा था कि लैंग्वेज पे स्कूल में जोर दिया जाता है कि नहीं, तो हमारा जो स्कूल है वो बहुत सभ्य है, मतलब टॉक इन इंग्लिश, ये वो इंग्लिश में ही बात करो। जब क्लास 8th तक हम भयंकर इंट्रोवर्ट थे, मेरी क्लास टीचर कहती थी कि इसको बोलने में दिक्कत है क्या, क्योंकि बोलती नहीं है कभी, तो उनको लगता था हम मतलब नहीं बोल पाते हैं ऐसा कुछ। क्लास 9th में पहुंचे ऑल गर्ल्स, बस जानवर निकल आया तुरंत। वहां पहुंचे पहुंचे बात बात हुई, स्टार्टिंग में टीचरों को कुछ पता नहीं चला क्योंकि 9th के लगभग एंड में पहुंचे थे। 10th टेंथ में पहुंचे टीचर समझ गए बच्चा कुछ गलत है, तो फिर मैम क्या कहती थी कि एक दिन कुछ बुलाया गया स्पीच देने के लिए, तो हमने हिंदी में बोल दिया, भयंकर वर्ड यूज कर लिए दो तीन, तो मैम कह रही तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी थी हमको तो पता ही नहीं था। हमने कहा तब भी आप डिबेट में नहीं खड़ा करेंगे हमको हिंदी वाली, क्योंकि उद्दंड बच्चों की इमेज खराब होती है कि अरे कुछ गलत कर दी है स्टेज पे। सही कह रहे हो। तो यार आप, आई कांट बिलीव दिस, आप जैसा बच्चा जो मतलब हर लाइन में कोई ना कोई एक पैंतरा फेंक देता है, तो आप इंट्रोवर्ट कैसे हो सकते हैं? पता नहीं, हमको खुद ही नहीं पता है, बहुत दबे कुचले रहते थे उस टाइम पे क्लास 8 तक हम। हाँ कोई भी मार के चला गया, क्योंकि कंटेंट को दबा कुचला दिया वो वही फ्रस्ट्रेशन अब निकल रहा है, वो जो 8 तक दबा हुआ था ना वही निकल रहा है। एब्सोल्युटली। एक और ने लिखा है, ऋषभ ने, लव फ्रॉम यूएस, एंड ओके, खुशी शाह ने लिखा है, क्या बात है, दोनों मेरे फेवरेट। ओके, सो यार अब आप मुझे ये बताओ कि अगर यहां से आपको, बिकॉज ऑफ कोर्स आई मीन बीइंग अ 16-year-old किड, यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव डन राइट इन योर लाइफ, यहां से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है मुझे ये करनी है, बिकॉज एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर यू नो यू हैव, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि यार किसी भी चीज, पर्सनल प्रोफेशनल किसी स्पेस में हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज, करनी है कि नहीं करनी है? दोनों बता दीजिए कि ये चीज करनी है और ये नहीं करनी है। हमने सोचा है कि हम जहां तक मेरे बस में हो सकेगा कि हम अपना कंटेंट क्लीन रखेंगे, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत ताकि मतलब सब देख सकें। जैसे अगर कोई मेरा रिलेटिव तो भाग है, कह रहे मेरी मम्मी देख रही है, तो मम्मी भी ये जो आम डंके की चोट पे बोल दिया ना, रिलेटिव गए भाड़ में, ये हाँ। अभी लाइव देखेंगे कहेंगे हमारी तो इज्जत ही नहीं करती आपकी लड़की एकदम। आपने आपने ये बात साबित कर दी है। देयर बी लॉट ऑफ पीपल टू बी कंटेंट क्रिएटर्स वुड वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव इन लाइफ, उनकी जिंदगी आधी रीजन ये है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हाँ एक चोट पे कह दिए कि लोग गए बाहर में, बाहर में गए बिल्कुल। बस ये हम किसी को क्या कहते हैं, नीचा दिखाने के लिए, या हम किसी को टू दिस इज, वी आर नॉट सेइंग दिस टू स्लैंडर समवन डाउन, लेकिन ये जिंदगी का एटीट्यूड है टू बी ऑन योर ओन एंड टू बी सक्सेसफुल इन योर लिटिल वे, कि यार दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, व्हाट यू हैव योर हेड, जो आपके प्लान्स हैं, जो आपकी चीजें हैं, जो शक्ति हैं आपकी, जो पावर्स हैं, जो टैलेंट है, जो क्राफ्ट है, आप वो दिल खोल के आगे ले आए, दुनिया का नहीं सोचे, वो तो उन्होंने कहना ही है। तो एनीवे, हाँ आप अच्छा करेंगे तब भी वो कहेंगे कि यार इससे और बेटर हो सकता था। आप कुछ भी करेंगे दुनिया सेटिस्फाई नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पर।
मुझे लगता है कि जब लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कह सकते हैं है ना, तो वो किसी के, अगर वो सचिन तेंदुलकर के बारे में कह सकते हैं तो वो हम सब तो किस खेत की मूली है, हम तो बस मुझे लगता है कि अभी पैदा ही नहीं हुए फिर तो, मतलब आप अपने आप तो फिर भी बड़े हो चुके हैं, समझदार हैं, हमको तो हमको गाली देता हूँ, टेम्परेचर हाई हो जाता है। नहीं नहीं यार, तो बताइए क्या है वो एक चीज। अच्छा आपने कहा जो कंटेंट रखेंगे वो क्लीन रखेंगे, वो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि 10 साल का बच्चे से लेकर 60 साल 70 साल की उम्र तक कोई भी एंजॉय कर सकता है, उससे सीख सकता है, उससे अपना दिन स्ट्रेस यू नो जो जो आपका एक स्ट्रेस बस्टर हो जाता है आपका कॉन्टेंट, तो वो बिल्कुल आपका करेक्ट हुआ। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग कॉन्टेंट के नाम पर कई बार काफी चीजें गलत भी बोल देते हैं, वो उनकी अपनी छवि, अगेन ये किसी को बुरा बोलने के लिए, वो अपना उनका कॉन्टेंट है। लेकिन ये आप सही कह रही हैं कि जब एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म बनाई जा सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं, अगर दंगल बनाई जा सकती है तो एक और ऐसी चीज उठाई जाए जहां पर फैमिली एंटरटेन नहीं हो और किसी को बुरा लगे किसी भी तरीके से। सो आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग एंड अ गुड थॉट, वेरी नोबल थॉट टू कीप योर कंटेंट क्लीन। इट रियली आपको अंदर से भी चीजें क्लीन रखती हैं, वो कुछ आपको फ्रस्टी नहीं बनाता है लाइफ में। सेकंड चीज क्या है जो आप नहीं, ये है आप जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो क्या है? अच्छा ये नहीं करने वाला, नहीं कौन क्या नहीं है ये हम करना चाहते हैं, अपना कंटेंट क्लीन रखना चाहते हैं, और जो नहीं करना है हमको लगता है कि सब करना चाहिए, आपको ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए जो आप नहीं करना चाहते हैं। अगर आप बाउंड्री सेट कर देंगे कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर तो खत्म। I've never seen a 16-year-old being so wise about life. जो आपका मन है बच्चे वो आप जिंदगी में कर दो बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। एंड ऑन दैट नोट मुझे जाते जाते बता दो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग इंसान कौन है आपके लाइफ में? घर वालों का नाम नहीं ले सकते ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक इरिटेटिंग है नहीं, हम ही सबके जीवन में सबसे इरिटेटिंग इंसान है यार। नहीं, योर इरिटेटिंग सेल्फ इज जस्ट बेस्ट, इफ दिस इज योर इरिटेटिंग सेल्फ, बहुत ये बहुत ही बहुत बहुत कमाल है अगर आपको आप इसको इरिटेशन कहना चाहेंगे तो। और जो आप अपनी मम्मी को बोलते रहते हो छेड़ने के लिए कि मम्मी शादी ये शादी की बातें करते रहते हो, वो करवा भी देंगी, क्या बात कर रही है, करवा देंगी, कहती 18 साल में शादी करके लात मार देंगे यहाँ से। यार आई मस्ट से योर मॉम इज वेरी प्रीटी, प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू हर। हम भी प्रीटी, हमको नहीं बोला आपने भाई, ये मेरे कितने मेरे बड़ी बहन लगते बड़ी, अरे तो यार कुछ दिनों में हम ही उनकी बड़ी बहन लगने लगे क्योंकि वो तो बढ़ एज में रही नहीं है, हम ही बढ़ रहे हैं। या अच्छा तो मतलब दोनों में टफ कंपटीशन है, अगर दोनों को अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट देना है तो दोनों को, अगर मतलब ऐसा ही है कि आपके साथ इससे लाइफ कर रहा हूं तो आपको भी कुछ ऐसा बोलना है कोपू को तो मैं ये बता दूं कि मतलब दोनों में टफ कंपटीशन है एंड गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। एंड वो जो दोनों के डिंपल पड़ता है वो बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है ड्रिल करके लगाया गया है, वो जो मतलब हीरो बॉयज बॉय आई एम श्योर बॉयज लव इट, यू नो जो आपके क्लास के लड़के होंगे जो आसपास हम ऑल गर्ल्स में पढ़ते हैं। ओहो ये सो जी तो क्या मेरे जीवन में लेकिन यू नो व्हाट मितिका, ऑल गर्ल्स में पढ़ के आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी बात हुई है जो ये अंदर का पूरा के पूरी भड़ास बाहर आई है, व्हिच हैज रियली टर्नड योर लाइफ अपसाइड डाउन इन अ गुड वे। ये जो टर्न अराउंड हुआ है आई थिंक वो स्कूल में जाने की वजह से हुआ है, इट्स अमेजिंग। सो या आई मीन और आई एम श्योर जितने भी लोग ये इस समय देख रहे हैं आई एम श्योर दे वुड आल्सो काइंड ऑफ घर जाके सोचेंगे, मतलब कोई लोग घर पे बैठे होंगे वो सोचेंगे जरूर कि क्या है उनके अंदर जो रोक के बैठे हुए हैं। दैट्स द जर्नी आई वांटेड टू टॉक अबाउट, दैट हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, कहां से चीजें आई, कहां और क्या हुआ। आई मीन आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली लव योर जर्नी, आई एम 100% श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंस्पायर्ड बाय यू। एंड या बस मतलब आई थिंक बस यही कहूंगा कि जैसे हैं वैसे ही रहिएगा, ये बिल्कुल आप ही रहेंगे। और सबसे पहले आपको हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने लाइव किया, हमको उम्मीद नहीं थी कि मतलब कि हमको इतना सपोर्ट मिलेगा आप इतने बड़े लोगों की साइड से, पर थैंक यू सो मच कि आपने। Each and every person around me totally loves you, loves your content, loves your expressions, your writing. हर एक चीज उनको बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मैं उन सभी दोस्तों को इंक्लूड कर रहा हूँ जो कई बहुत क्रिएटिव लोग दुबई में रेडियो स्टेशन पे काम करते हैं, एक दो लोग यूके में हैं जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, और मेरे जो फैमिली में लोग हैं वो तो ऑफकोर्स माय वाइफ, माय भैया भाभी, एवरीबॉडी लव्स योर कंटेंट, ओके। एंड इट जस्ट ब्रिंग्स एन इंस्टेंट स्माइल। बल्कि एक बात बोलूं आपके कंटेंट की,
और बड़ी बात यह है कि बाकी के कंटेंट को देखकर स्माइल करता है इंसान, आपके कंटेंट को देखकर हंसता है इंसान, वो बहुत मुश्किल है करना. स्माइल करवाना आसान है किसी को हंसाना. ऑन दैट नोट यार, जाते तो बहुत सारे लोगों ने, जब से मैंने वो बात बोली ना कि आपने इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने वहां से लिख दिया है, और एक दो लोगों ने ये बोल दिया कि मेरा भी नाम बोल दो यार, आपने उस बंदे का नाम. अच्छा ये देखिए, आशीष वर्मा अभी हमारे साथ है इस समय, उन्होंने आपके लिए जीनियस लिखा है और साथ में एक हार्ट छोड़ा है. आशीष वर्मा इज एन FTII पास आउट एक्टर, इंडिया का मोस्ट प्रेस्टीजियस एक्टिंग का, डायरेक्शन का, एडिटिंग का, जितने भी फिल्म मेकिंग के डिविजन हैं उसका ये इंस्टीट्यूट है पुणे में, FTII. तो एक इतने सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से एक इतना अच्छा एक्टर निकला हुआ इंसान, आपने इनको आयुष भाई की फिल्म आर्टिकल 15 में देखा है, मेरी एक फिल्म आ रही है हेलमेट, आपके यूपी में बनारस में हमने शूट करी है वो, उसमें मी एंड हिम आर एक्टिंग टुगेदर. सो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं ये, उन्होंने आपके लिए जीनियस करके हार्ट छोड़ा है. वो कम से कम 10-12 साल थिएटर कर चुके हैं एंड इज अ वेरी वेरी मैच्योर आर्टिस्ट. अगर ऐसे इंसान ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया है, आई थिंक इट इज जस्ट सो मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि यार मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ वो ये सारे के सारे जो 20,000 लोग हमें सुन रहे थे है ना, वो ये मुझे खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ बातें कर रहा हूँ जो ये सारी की सारी चीजें डिजर्व करता है, इतनी फॉलोइंग डिजर्व करता है, इतने लाइक्स और इतना कंटेंट जो अच्छा हो रहा है वो डिजर्व करता है. तो ऑन दैट नोट खिसक लेते हैं, लेकिन मेदिका मजा आ गया यार आपसे बात करके, आपका कॉन्टेंट देख के तो मजा आता ही है. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा. किसी ने लिखा है कोई नहीं गाली लिखी हो तो ना पढ़िएगा. हाँ मैंने यही सोचा. नहीं एक बात बोलूं, एक और बात बोल देता हूं, दिस इज द ओनली जिसमें किसी ने गाली नहीं लिखी है, समझ रही हैं बात. प्यार क्योंकि आप हैं, अभी हम आ जाते तो इतनी गंदी मुझे गाली पड़ती है. नहीं नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैं तो आपको, मैं ये सारा का सारा श्रेय आपको दे रहा था. तो किसी ने बल्कि लिख ना दे गाली, पता चले नाखी कटवा दे तुरंत. पू बेयर ने लिखा है यू बोथ आर सो स्वीट. हाँ कोशिश, हम दोनों ना एक अच्छे एक्टर, हम एक्टिंग करते हैं स्वीट बनने की, हम स्वीट हैं नहीं. ओके नहीं आप तो हैं, क्योंकि हमने बहुत आपके लाइव्स देखे जो आपने बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ किए हैं. हमको ये भी पता चला कि आपके पीछे विक्की कौशल सर का घर भी है. बिल्कुल, इस तरफ विक्की कौशल, इस तरफ हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावड़ा. सो वी शेयर द कॉमन वॉल इधर इस तरफ और लेफ्ट साइड पर. लेकिन हाँ मैंने इधर उधर सबके साथ इंस्टा लाइव कर दिए हैं. So, लेकिन ये लास्ट जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तब किए थे, तकरीबन 300 लाइव किए थे. आज मैं पता नहीं कितने महीनों बाद लाइव आया हूँ. सो या दैट्स दैट. मेदिका थैंक यू सो मच, रियली रियली लव योर कंटेंट, रियली लव योर वाइब. प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू ईच एंड एवरी पर्सन इन योर फैमिली, इन योर स्कूल, जो भी आपका गैंग है, कोर गैंग है, उनको बहुत सारा प्यार. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच सर. बाय बच्चे. बाय बाय सर. ऐसे मुझे रोना आ गया. तो भाई आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं. मुझे आज इतनी खुशी हुई, आज का लाइव अभी तक का बेस्ट लाइव था, और ये लाइव हम सेव करेंगे. अब हो जाए भगवान कसम सेव, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई. तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग जुड़े रहे हैं हम लोगों के साथ. भाई बहुत अच्छे हो तुम लोग. तो थैंक यू सो मच सबको, और स्पेशली अपार शक्ति सर को कि उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया सबको. भाई रोना आ जाएगा. ज्यादा ज्यादा खुशी हो जाती है, इंसान स्पीचलेस हो जाता है. भाई मेरे साथ इस समय हुआ है. तो चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से.